हम हमारे आसपास बहुत सारे सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास को देखते हैं, जिनमें से कुछ के पीछे साइंटिफिक लॉजिक होता है और कुछ के पीछे नहीं होता है। जैसे कि कोई अच्छा काम करने बाहर जा रहे हो तो दही चीनी खा के जाओ, या काली बिल्ली रास्ता काट दें तो आगे मत जाना। हमारे आसपास ऐसे ना जाने हजारों सुपरस्टिशंस हैं जिनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं जिनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, दूसरा अगर साइंटिफिक लॉजिक है तो वो साइंटिफिक लॉजिक क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपके सुपरस्टिशंस से रिलेटेड सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सुपरस्टिशंस को आपको मानना चाहिए और किन को नहीं मानना चाहिए। इस वीडियो के मैं दो पार्ट बनाऊंगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आप वो वीडियो मिस ना कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन पे आता है मोस्ट फेमस और मोस्ट कॉमन, दरवाजे पर कॉटन के धागे से नींबू मिर्ची बांध के टगा देना। तो सुपरस्टिशन ये कहता है कि एक एक देवी होती है अलक्ष्मी, जो हमारे घर में आके अलक्ष्मी पैदा करती है। देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, तो जब हम कॉटन के धागे से नींबू और मिर्ची बांध के अपने घर के दरवाजे पे टगा देंगे तो माँ लक्ष्मी जब आएगी तो वो उस नींबू मिर्ची को खा के वापस लौट जाएगी और हमारे घर में अलक्ष्मी नहीं आएगी। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये है, जिस कॉटन के धागे से हम नींबू और मिर्ची को बांधते हैं वो कॉटन नींबू और मिर्ची की स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद सिट्रिक एसिड बनाता है। उस एसिड की स्मेल से हमारे घर में इंसेक्ट्स नहीं आते हैं और हमारे घर में बीमारियां भी नहीं आती हैं, और उन इंसेक्ट्स को ही हम अलक्ष्मी बोलते हैं। ये सुपरस्टिशन आज भी काम करता है और आगे भी काम करता रहेगा, क्योंकि नींबू और मिर्च के बेनिफिट्स हमको हमेशा मिलते रहेंगे और वो हमेशा एक पेस्टिसाइड का काम करता रहेगा। तो आप इसको अपने घरों में एक पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू पे आता है थ्रोइंग कॉइन ऑन वाटर गिव्स यू गुड लक, मतलब पानी में सिक्के फेंकने से हमारा गुड लक बढ़ता है। और कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि कुएं में सिक्के फेंकने से हमारा गुड लक बढ़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये सुपरस्टिशंस आज नहीं बने हैं, ये हजारों सालों पहले बने थे। तो पहले के जो सिक्के हुआ करते थे वो कॉपर और गोल्ड से बना करते थे, वो आज की तरह स्टेनलेस स्टील के नहीं बना करते थे। तो पहले के लोगों को पता था अगर हम पानी में कॉपर और गोल्ड को मिलाएंगे तो वो हमारी हेल्थ को बहुत ही अच्छा करेगा। तो पहले के लोग जब कॉपर के सिक्के को पानी में फेंक दिया करते थे तो वो कॉपर पानी में मिलके अल्टीमेटली उनकी ही हेल्थ को अच्छा किया करता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम पानी में सिक्के फेंकेंगे तो वो हमारी हेल्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के सिक्के कॉपर और गोल्ड से नहीं बनते हैं, आजकल के सिक्के स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सुपरस्टिशन आज के टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आपको पानी में सिक्के फेंकने से कोई भी लाभ नहीं होगा। नंबर तीन पे आता है डोंट स्लीप वाइल योर हेड फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि हमें उत्तर की तरफ अपना सर करके नहीं सोना चाहिए। और कई जगहों पे यह भी बोला जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, जो कि एक ही बात है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक ये है, अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ की तरफ बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसीलिए जब भी हम कभी कंपास देखते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन दिखाता है। और उसी तरह हमारी बॉडी की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमारे हेड की ओर ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अगर हम नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ अपना सर करके सोएंगे तो हमारी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सिंक हो सकती है और उसके कारण हमें बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ हो सकते हैं, जिनमें से हार्ट डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन है। ये सुपरस्टिशन हमेशा से काम करता था और हमेशा काम करता ही रहेगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आपको नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए, और अगर आप उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत ही हार्मफुल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। नंबर चार पे आता है बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे मत जाना, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। ये सुपरस्टिशन तो मोस्ट फेमस है और मोस्ट कॉमन है, जिसको भारत के 90% लोग फॉलो भी करते होंगे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक तो कुछ और ही है। पहले के टाइम में व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स नहीं हुआ करती थी और लोग जंगलों में ही सफ़र किया करते थे, और लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से सफ़र किया करते थे जो कि जानवरों के द्वारा चलाई जाती थी। तो उस टाइम अगर जंगली बिल्ली सामने आ जाती थी तो उनके व्हीकल का बैलेंस बिगड़ जाता था और उसके कारण उन व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो जाता था, क्योंकि रात में जंगली बिल्लियों की आंखें चमकती है और उनकी आंखों की चमक से वो व्हीकल चलाने वाले जानवर डर जाया करते थे, जिसके कारण बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाया करता था। तो उसी टाइम जब जंगली बिल्ली रास्ता काटा करती थी तो लोग वहीं पर रुक जाते थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद समय बदलता गया, जंगलों की जगह रोड बन गई
और उस जंगली बिल्ली की जगह आजकल की डोमेस्टिक बिल्लियां जिनको हम अपने घरों में पालते हैं वो आ गई। तो इस सुपरस्टिशन से आपको आज के टाइम में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक अब मैंने आपको बता दिया है। नंबर 5 पे आता है, कोई अच्छा काम करने बाहर जाने से पहले दही चीनी खा के निकलना चाहिए। ये सुपरस्टिशन तो इंडिया के हर एक घर में फॉलो किया जाता है और सभी इसको मानते भी हैं, और इसको मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला है। तो देखते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या कहता है। इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक समझने के लिए हमें एक स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। ये आ गया, तो ये साइंस का स्टूडेंट है और बिल्कुल भी सुपरस्टिशन को नहीं मानता, क्योंकि ये उनके पीछे का लॉजिक नहीं समझता। तो मान लीजिए आज इसका 10th बोर्ड का पेपर है और ये घर से पेपर देने के लिए निकलता है। इसकी मम्मी बोलती है कि दही चीनी खा के जाओ, लेकिन ये दही चीनी खा के नहीं जाता है। तो अब ये पेपर हॉल पहुंच चुका है और पेपर देने लगा है। पेपर तो इससे बहुत अच्छा बन रहा है और इसको पेपर देते हुए आधे घंटे भी हो चुके हैं, लेकिन ये क्या हुआ, इसका तो पेट खराब हो गया। अब इसका पेट खराब हो चुका है तो अब ना ये अच्छे से पेपर दे पाएगा और इसकी हेल्थ भी खराब हो चुकी है, अब बेचारा हो सकता है फेल भी हो जाए। तो अब हम बात करते हैं, अगर ये साइंस का स्टूडेंट अपनी मम्मी की बात मान लेता और घर से दही चीनी खा के आता, तो क्या इसका पेपर खराब नहीं जाता और इसका पेट खराब नहीं होता? जी हाँ, अगर ये घर से दही चीनी खा गया था तो इसका पेट खराब नहीं होता और इसका पेपर भी बहुत अच्छा जाता, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं दही ठंडी होती है और चीनी से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर ये दही चीनी खा गया था तो दही के न्यूट्रिएंट्स के कारण इसका पेट ठंडा रहता और इससे पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आती और इसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता। जैसे कि हम सब जानते हैं शुगर से हमें एनर्जी मिलती है और चीनी मतलब शुगर, तो अल्टीमेटली उसे पेपर देने की एनर्जी भी मिलती और पेपर बहुत अच्छा जाता, अल्टीमेटली उसका लक बहुत ही बढ़ जाता, और इसीलिए तो हम दही चीनी खाते हैं। तो दही चीनी खाने से हमारा पेट ठंडा रहता है और हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमारे घरों में जब हम कोई अच्छा काम करने बाहर जाते हैं तो हमें दही चीनी खा के निकलनी चाहिए। ये सुपरस्टिशन हमेशा से काम करता था और हमेशा से काम करता रहेगा, क्योंकि दही और चीनी के बेनिफिट्स हमको हमेशा मिलते रहेंगे। बेचारा फेल हो गया। नंबर 6 पे आता है, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और रात को नहा भी नहीं काटना चाहिए। ये मेरे साथ भी एक बार मेरे घर में हो चुका है। मैं एक बार रात को झाड़ू लगा रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे मना किया था। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को पूछा, सारे लोगों से पूछा जिनको मैं जानता था, रात को झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, पर किसी ने मुझे इसका सही और लॉजिकल आंसर नहीं दिया। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी और लाइट का कोई भी सोर्स नहीं हुआ करता था। तो पहले के टाइम में जब लोग झाड़ू लगाया करते थे तो उनके झाड़ू से उनका कीमती सामान और इंसेक्ट्स टच हो जाते थे। तो झाड़ू लगाते टाइम मान लीजिए सांप ही टच हो गया तो उनको वो काट देता था और उनकी हेल्थ बहुत ही खराब हो जाती थी और डेथ भी हो जाती थी, और कई कई केसेस में उनका बहुत ही कीमती सामान भी गलती से उन्हीं के हाथ दो डिस्ट्रॉय हो जाया करता था। और बात करते हैं अगर नेल ना काटने की, तो उसमें भी यही लॉजिक आता है कि पहले के जमाने में जब लोग नहा काटा करते थे तो बिजली ना होने के कारण अपने आप को ही हर्ट कर लिया करते थे, लेकिन ये आज के टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है और हर घर में रोशनी है। तो आपको जहाँ दिख रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक झाड़ू लगा सकते हैं और नहा भी काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 7 पे आता है, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। क्यों? इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह है हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए और खाना हमारे पेट तक पहुंचाने के लिए एक ही पाइप होती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं और उसे जब हम निगलते हैं तो ये पार्ट हमारी सांस लेने वाली पार्ट को कवर कर लेता है, जिससे कि वो खाना हमारे पेट तक पहुंच सके, नहीं तो वो खाना हमारे लंग्स तक यानी हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। तो अब मान लीजिए जब आप खाना खा रहे हैं और निगलते टाइम आपने बोल दिया, तो ये पार्ट जो हमारे सांस लेने वाले पार्ट को कवर कर लेता है वो वहाँ से उठ जाएगा और हो सकता है कि आप जो खाना खा रहे हों वो गलती से आपके लंग्स तक पहुँच जाए या आपके नाक से बाहर आ जाए। नाक से इसलिए बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर से आप हवा बाहर फेंकेंगे, और अगर अंदर से आप हवा बाहर नहीं फेंक रहे हैं तो 100% वो खाना आपके लंग्स तक जा सकता है और उससे आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमको खाना खाते टाइम कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, गलती से भी हमें खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए खाना खाने टाइम बात नहीं करते। नंबर 8 पे आता है, रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते, भूत रहता है। सच में रात को हमें पीपल के पेड़ के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं दिन में सनलाइट की प्रेजेंट में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं,
लेकिन रात के टाइम में सूरज नहीं होता, इसी के कारण वो रात को खाना नहीं बना सकते, तो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर रहती है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रात में सभी पेड़ पौधे रिलीज़ करते हैं। इसीलिए रात को हमें किसी भी पेड़ पौधे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो पूरी दुनिया को ख़तरा है, तो सोच लीजिए आप इस दुनिया का छोटा सा पार्ट है तो आपको कितना खतरा हो सकता है। इसीलिए रात को पीपल या किसी भी पेड़ पौधे के पास हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत रहता है। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में यानी पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के टाइम हमें घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, हमें टूटे हुए शीशे में क्यों नहीं देखना चाहिए, और ऐसे ही और कुछ सुपरस्टिशंस और उनके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक। तो उस वीडियो को आप मिस ना कर सके, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आपको जानना है जब हमें चोट लगती है तो हमें दर्द क्यों होता है और वो दर्द हमारे लिए अच्छा क्यों होता है, तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि स्वादिष्ट खाना देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है, तो नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बीच में दिख रहे गोल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।